काश ऐसा निडर और साहसी बालक मेरा भी होता। कौन है आपके गुरु? ऋषि कर्णव। क्या है आपका नाम? मेरा नाम भरत। आपके माता पिता कौन है? मेरी माता इसी वन में रहती है और उनका नाम भरत। बेटे भरत, कहाँ हो? अरे ये भरत भी ना जाने कहाँ होगा, जब देखो शेरों के साथ खेलता ही रहता है। बेटे भरत। माँ मैं यहाँ हूँ। स्वामी आप यहाँ? शकुंतला, शकुंतला मुझे माफ कर दो, न जाने मुझे तेरा विस्मरण क्यों हो गया था, और आज अचानक जब तुम सामने आई हो तो सब कुछ मुझे याद आ गया। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो शकुंतले। स्वामी यही विधि का विधान था, शायद विधि को यही स्वीकार था। माँ ये कौन है, आप इन्हें पहले से जानती हो क्या? बेटे इनके चरण स्पर्श करो, यह आपके पिता हैं। राजा दुष्यंत भरत और शकुंतला को लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं, एवं जब भरत युवा हो जाता है तब राजा दुष्यंत उसका राज्याभिषेक करते हैं। अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद भरत संन्यास लेना चाहते हैं। इस देश में प्रजा सुखी रहे, किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो, मैं संपूर्णतया प्रजा को अपना परिवार मानकर एवं राजधर्म का पालन करता आया हूँ। अब मैं अपना कार्यभार अपने 9 पुत्रों में से किसी एक को सौंपना चाहता था, परंतु कोई भी मुझे राजा बनने योग्य नहीं लगा। इसीलिए मैं अपने देश की जनता की भलाई हेतु ये घोषणा करता हूँ कि अपने देश के सबसे गुणवान व्यक्ति को ही राजा के पद पर आसीन करूंगा। इस देश में प्रजातंत्र रहेगा और जनता विकास के लिए जो योग्य हो ऐसे राजा का चयन कर सकेगी। इस आर्यावर्त में लोकतंत्र की स्थापना होगी। राजा भरत के 9 पुत्र थे। अपने किसी भी पुत्र में राजा बनने के गुण उन्हें नहीं दिखे, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा में से ही योग्य नागरिक को राजा बनाने का निर्णय लिया, और राजा भरत ने लोकतंत्र की नींव विश्व में सर्वप्रथम रखी। भरद्वाज भूमन्यु को योग्य पाकर उन्हें राजा बनाया गया। लोगों ने राजा के इस प्रजातंत्र से खुश होकर आर्यावर्त का नाम भारत रखा।